Scheduled. Fancy Express. Approval Thalit Samay. 2:15 Delhi se chal rahi hai. तो दोस्तों मान के चलिए आपको ट्रेन पकड़ना है अर्जेंट में अपने गांव के लिए, लेकिन आपको पता चले कि आपकी जो ट्रेन है वो 3 घंटे 6 घंटे या फिर 10 घंटे लेट है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। और ऐसा आपने देखा होगा कि ज्यादातर ठंडियों के मौसम में ही होता है, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा गहरा कोहरा हो जाता है। और ये जो लेट होने वाली चीज है, या तो आपने खुद एक्सपीरियंस की होगी या तो किसी न किसी के मुंह से तो जरूर ही सुनी होगी। लेकिन आपने एक चीज और सुनी होगी कि जो जापान के अंदर ट्रेन होती है, चाहे वो ठंड हो, बरसात हो, कोहरा हो, किसी भी टाइप का समो, वहां ट्रेन्स कभी भी लेट नहीं होती। और ऐसा क्यों है? तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है उनकी टेक्नोलॉजी। तो अब से आप भी शायद ये लेट होने वाली चीज हमारी ट्रेन्स के अंदर ना देखो, क्योंकि जो इंडियन रेलवे है वो फाइनली कोहरे से निपटने के लिए एक और बेहतरीन आइडिया निकाल कर ले आई है आपके लिए, क्योंकि रेलवे अब एंटी फॉग डिवाइसेस को लोकोमोटिव्स के अंदर लगाने वाली है, ताकि जो पायलट है उसे बेटर विजिबिलिटी मिल सके कोहरे के टाइम पर, और जो हमारी ट्रेन्स है वो भी अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंच सके। अब दरअसल होता ये था कि जब भी ठंडी के दिनों में कोहरा होता था तो वो कई जगहों पर इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लोको पायलट्स हैं उनके लिए ट्रेन को आगे चलाना लगभग इम्पॉसिबल सा ही होता था, नहीं तो फिर रेलवे ट्रेन को कैंसिल ही कर देती थी, या फिर उसे इतनी कम स्पीड पर चलाया जाता था कि जो ट्रेन है वो कई घंटों तक लेट हो जाती थी। बट अभी ये जो एंटी फॉग डिवाइसेस लगाते ही हमारी जो ट्रेन है वो बड़े ही आराम से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ पाएगी ट्रैक्स पर, और जो डिले होता था ट्रेन में उन्हें कम भी किया जा सकेगा। इसी कड़ी में रेलवे ने अपने जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑपरेशनल एंड सेफ्टी, इन सभी को बोल दिया है कि जो भी एंटी फॉग डिवाइसेस के लिए जरूरी इक्विपमेंट है वो टाइम से उन सभी स्टेशंस और ट्रैक्स पर लगा दिए जाएं, जिससे जो एक्सीडेंट का खतरा है और लेट होने का जो चांस होता है वो बिल्कुल भी ना के बराबर हो। बाकी यार तुम्हें क्या लगता है, क्या रेलवे सचमुच अपना जो लेट ना होने का जो टारगेट है उसे कंप्लीट कर भी पाएगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।